फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम पन्ना। तो उसके लिए ये देखिए, कच्चा दो आम है, तो इसको हम छील लेते हैं। पहले इसको हम इस तरह से कट करके छील लेंगे। ये देखिए, हम छील लिए हैं। अब इसका हम पल्प निकाल लेंगे ऐसे। अब फ्रेंड्स, इसको हम पल्प निकाल लिए हैं और इसको फ्राई पैन में डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी और इसको उबलने के लिए हम इस तरह रख देते हैं गैस पर और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा देर नहीं लगता है, फटाफट ये गल गया है। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। और गर्मी में तो फ्रेंड्स, खाना तो बहुत कम ही खाने को मन करता है। शरबत हुआ, जूस हुआ, आम का पन्ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा मन करता है पीने को। और ये आम पन्ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको अब हम उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। देखिए, पल्प को अब हम ठंडा हो गया है, तो इसको हम जार में डाल देते हैं। और ये 10 से 15 पत्ती पुदीना की, इसके बिना तो आम पन्ना बेकार है, इसको तो ज़रूर डालना चाहिए। और ये है भुना जीरा और काली मिर्च भी है इसमें, तो इसको डाल देते हैं। काला नमक, सादा नमक। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये ग्राइंड कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, हम 2-3 चम्मच निकालेंगे, क्योंकि मुझे बिना चीनी का खट्टा वाला बनाना है आम पन्ना, तो इसलिए हम 2-3 चम्मच निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि ये बिना चीनी वाला बनाएंगे। इसको हम साइड रख लेते हैं और इसमें हम इतना चीनी डाल के ग्राइंड करेंगे, मान के चलिए आधी कटोरी है। फ्रेंड्स, ग्राइंड कर लिए हैं। देखिए, आप ऐसे भी किसी डिब्बे में करके फ्रिज में अगर रख सकते हैं, जब आपका मन करे आम पन्ना पीने का, तो आप 2-3 चम्मच डाल के ठंडा ठंडा पानी डाल के मिला कर पी सकते हैं आराम से आम पन्ना बना के। तो हम जाते हैं, हम इस वक्त पानी मिला के सारे का बनाएंगे। इसमें हम 1/2 लीटर पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आम पन्ना मेरा तैयार हो गया है, तो इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं गिलास में। इसमें डाल देंगे, और ये पुदीने के पत्ती से ऐसे गार्निश कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आम पन्ना तैयार है। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह बना के पीजिए। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जो हम पल्प निकाले हैं ना, तो मुझे बिना चीनी वाला भी पीने का मन था, तो इसको क्या किए ना कि हम बिना चीनी का निकाल लिए हैं, इसमें थोड़ा सा और जीरा डाले हैं, काला नमक डाले हैं, और इसमें हम पानी ठंडा ठंडा डालकर फिर इसको बना कर हम पियेंगे, तो बिना मीठे वाला भी पियेंगे, हमको बहुत पसंद है। इसलिए हम 2-3 चम्मच इसको भी निकाल लिए थे, साइड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह पीना हो तो आप ऐसे भी पीकर देखिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और आपको इस तरह पीना हो तो आप इस तरह भी पी सकते हैं। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ।